सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सब मजे मजे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ साथ मस्ती भी हो रही होगी. सो बच्चों, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ फ्रॉम क्लास 12th. इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने आधा चैप्टर डिस्कस कर लिया है. व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कंट्रोल ऑफ बर्थ, ये हमने देख लिया है. नेचुरल मेथड क्या क्या होते हैं, बैरियर मेथड क्या होता है, IUDs क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में. सो अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. और बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज, क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा ना, उसमें जैसे IUDs आपने जो देखा, उसमें हम क्या कर रहे थे, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस थे आपके, कुछ डिवाइसेस थे जो आपके यूट्रस के अंदर फिक्स हो जा रहे थे. लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, हम ओरली भी कुछ दवाइयाँ वगैरह खा सकते हैं, जिनको हम पिल्स बोल रहे हैं. ये ओरल पिल्स होते हैं, और बेसिकली ये क्या होते हैं बच्चों, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं ना आपके, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस होते हैं इन पिल्स में, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके कुछ वैसे चेंजेस करते हैं जिससे कि आपकी फर्टिलाइज की प्रोसेस रुक जाती है, कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं. और ये जो पिल्स हैं आपके, ये डेली लेने वाले पिल्स होते हैं ज्यादातर, फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज. मेंसेस हम मान के चलते हैं कि 5 to 7 days मेंसेस होते हैं. मेंसेस के तुरंत बाद से ये जो पिल्स हैं आपको लगातार लेने पड़ते हैं फॉर 21 डेज, और उसके बाद अगेन आपका जो मेंसेस वाला पीरियड होता है उसमें आपको ये पिल्स नहीं लेने हैं. और उसके बाद अगेन मेंसेस जब खत्म होते हैं फिर आपको ये पिल्स लेने स्टार्ट कर देने हैं. सो दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. यहाँ पे देखो ये मेंशन किया हुआ है, ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स. और जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, उसकी क्वालिटी को भी ये चेंज कर देते हैं. तो उससे क्या होता है, स्पर्म्स की जो एंट्री होती है वही कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, बहुत धीरे हो जाती है. सो बेसिकली एक तरह से ये सारा काम कर रहा है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टॉप हो जाए. पिल्स आर वेरी इफेक्टिव and lesser side effects, they have very small side effects and are well accepted by the females. ठीक है, फीमेल्स बहुत कंफर्टेबल होती है, पिल्स वगैरह लेना काफी आसान होता है. सहेली है वो न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, सहेली के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, काफी ज्यादा पसंद किया गया है इसे फीमेल्स के द्वारा. फॉर देयर फीमेल्स, फॉर द फीमेल्स कंटेन अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन. नॉन स्टेरॉयडल का मतलब है बच्चों, जो बेसिक हमारी दवा होती है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट इनका प्रिपरेशन होता है. इट इज अ वंस अ वीक पिल, जो सहेली है वो वीक में एक दिन खाने वाला पिल है, एंड वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. दैट्स वाई जो है इसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया है. एक तो इसके साइड इफेक्ट्स कम है, इफेक्टिव काफी ज्यादा है, और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी हाई है. दैट मीन्स कॉन्ट्रासेप्शन ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रही है, और वीक में बस एक दिन इसको खाना है. प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस. अब ये जो पिल्स के फॉर्म में खाती हैं फीमेल्स, पिल्स में खाने के अलावा इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जा सकता है, या फिर इम्प्लांट कर सकते हैं अंडर द स्किन, स्किन के अंदर इसका इम्प्लांटेशन भी हो सकता है. बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको जो सूटेबल लगे वो यूज कर सकता है, बट इन सब मेथड्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स. और अगर इसको आप इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट भी कराते हो तो इनका मोड ऑफ एक्शन सेम होगा, काम इनका वही है जो ओरल पिल के टाइम हो रहा था. एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर. लेकिन अगर आप इंजेक्शन या फिर इम्प्लांटेशन कराते हो इन पिल्स, इन कॉम्बिनेशंस का, इन हॉर्मोन्स का, तो इनका इफेक्टिव पीरियड जो है वो बढ़ जाता है, ज्यादा टाइम तक ये इफेक्टिव रहते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस और IUDs विद इन 72 आवर्स. अब देखो यहाँ क्या है बच्चों, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी, हमें कुछ वैसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो अचानक बहुत इंस्टेंट आके कॉन्ट्रासेप्शन करें. वो सपोज अगर कोइटस हो गया, सेक्स हो गया और अनप्रोटेक्टेड सेक्स था, तो अगर आप सेक्स होने के 72 आवर्स तक, मीन्स 3 दिनों के अंदर अंदर ये कॉम्बिनेशंस ले लो, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशंस या फिर IUDs, तो फिर ये आपके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं. एंड दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. और ये जो है आपके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं आपके, रेप केसेस में भी काम आते हैं. रेप केसेस में जैसे नहीं चाहिए किसी को प्रेगनेंसी, तो उस टाइम में भी प्रेगनेंसी को रोकने में आपके जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जो कि विद इन 72 आवर्स लिए जा सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं.
अब इसके अलावा हम पहुंचते हैं सर्जिकल मेथड्स में. ये सब तो हमने देख लिया, दवाएं वगैरह हैं या फिर कुछ और है. अब इसके अलावा देखो सर्जिकल मेथड क्या होता है. सर्जिकल डैट मीन्स सर्जरी से रिलेटेड है. ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन, इसको हम और क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन भी कहते हैं. सो आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, क्योंकि ये परमानेंट इलाज हो गया बच्चों. अगर इसको सर्जिकल मेथड किसी ने ऑप्ट कर लिया तो इसके बाद फिर आपका इसमें क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन ही रुक जाएगी. गैमेट्स फॉर्म होंगे लेकिन आगे ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे. तो पहुंचेंगे कहाँ से, मेल गैमेट जो है वो फीमेल बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट को तो खैर वहीं रहना. तो इस वजह से भी जो आपकी वो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं. अब इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो वासेक्टोमी, दो नेम्स यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, ट्यूबेक्टोमी. मेल्स में जो एक इम्पॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं, जो टेस्टिस से निकल के यहाँ जस्ट टेस्टिस से लगा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, ये वास डिफरेंस होता है जो आपके स्पर्म्स को ट्रांसफर कराता है, यहाँ आगे तक लेके जाता है. यहाँ पे एक कट लगा दिया जाता है, जो वास डिफरेंस होती है ना वहां पे एक कट लगा दिया जाता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं वासेक्टोमी. यहाँ पे हमने कट लगा दिया. तो अब अगर कट हो गया तो यहाँ से जो स्पर्म्स हैं आपके वो आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे. ट्रेवल नहीं कर पाएंगे तो फिर पहुंचेंगे कहाँ, ये वहीं के वहीं रह जाएंगे. और फीमेल्स में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है. तो अगर फीमेल्स में हमें इस चांस को बिल्कुल खत्म करना है तो यहाँ इस ट्यूब पे ही एक कट लगा दी जाती है, या तो इस वाले पे या इस वाले पे, टाइट बांध के, मतलब कट करके उसके बाद बांध दिया जाता है. तो फीमेल्स में इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी. सो ये सर्जिकल मेथड्स हैं जो कि 100% आपके इफेक्टिव होते हैं. ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जो है आपकी वो फीमेल्स में, एंड वासेक्टोमी जो है आपका मेल्स में. इसमें स्मॉल पार्ट आपका वास डिफरेंस का या फिर फेलोपियन ट्यूब का जो है वो कट करके और बांध दिया जाता है, जिससे आपका जो फर्टिलाइजेशन का चांस है वो निल हो जाता है, जीरो हो जाता है. एंड रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर. अगर ये करने के बाद, सर्जिकल मेथड ऑप्ट करने के बाद अगर आप दोबारा वापस ओरिजिनल कंडीशन चाहो तो वो नहीं हो सकता. अगर ट्यूब्स एक बार कट हो गए, डैट मीन्स कट हो गए, अब ये कट ही रहेंगे. इन फ्यूचर आप रिवर्सिबिलिटी को होप नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं हो सकता ये कंडीशन. It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपने इधर उधर से इन्फॉर्मेशन ले ली और खुद ब खुद ही डिसाइड कर लिया कि भाई मेरी बॉडी के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है. आपको क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी हैं. और One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay the or space pregnancy due to personal reasons. अगर किसी कपल को मान लो सपोज तुरंत बेबी नहीं चाहिए तो ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट इनको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं किया जा सकता. आगे चल के अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रेगनेंसी रोकनी है या फिर कुछ वैसा करना है तो आपको कुछ ना कुछ परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा. क्योंकि अगर ये पिल्स वगैरह या फिर कोई भी आप कॉन्ट्रासेप्शन मेथड लगातार यूज करोगे तो आपके बॉडी पे इसके साइड इफेक्ट्स जरूर दिखेंगे. एज फॉर एग्जाम्पल नोजिया, एबडोमिनल पेन, बैक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये सब चीजें, और इवन ब्रेस्ट कैंसर तक भी किसी किसी केस में देखा गया है इनका ओवरडोज हो जाने से. दैट मींस अगर बॉडी को आपने बहुत ही ज्यादा इनका डोज दे दिया तो उन केसेस में कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल सकता है. सो ये था बच्चों, इसके बाद हमें देखना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, जिसको हम एबॉर्शन भी बोलते हैं. सो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन, दैट मीन्स प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, मदर जो है वो प्रेगनेंट हो चुकी है, लेकिन हम जानबूझ के अगर इसको स्टॉप कर देते हैं, प्रेगनेंसी को रोक देते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कराना चाहते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. दैट मीन्स आपके डॉक्टर्स की निगरानी में या फिर किसी की देख रेख में अब ये प्रेगनेंसी जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करानी है. नियरली 45 to 50 million MPPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर. अब आप देखो ये कितना बड़ा डेटा है, यहाँ 45 to 50 million MTPs जो है परफॉर्म होते हैं आपके एक साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर. मतलब 5 में से सोचो एक जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाया जाता है, मेडिकली वो टर्मिनेट होती है. ऑब्वियसली MTP हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन थ्रू इट इज़ नॉट मीन फॉर दैट पर्पज. अब देखो MTP कब किस केस में करना ज़रूरी है, सपोज जो मदर है जिसने कंसीव किया अगर उसकी हेल्थ पे इसका बुरा असर पड़ रहा है, या फिर जो बेबी है उसमें कुछ वैसा डिसऑर्डर है कि वो नॉर्मल बेबी की तरह ग्रो नहीं कर सकता, या फिर
डिलीवरी के टाइम मदर की लाइफ को अगर कोई थ्रेट है, सो ऐसे केसेस में एमटीपी जो है वो आपको सजेस्ट की जा सकती है. लेकिन हर केस में, अब मिसयूज भी हर चीज़ का उतना ही ज़्यादा होता है. अगर कुछ कोई ये पता करने के लिए करे, इंडिया जैसी कंट्री में ज़्यादातर ये होता है कि जो बेबी है जो डेवलप हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, और अगर ये पता लगा लिया कि वो फीमेल है और तब एमटीपी करवा रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ क्राइम. तो ये क्या हो जाता है, क्राइम हो जाता है. सो एमटीपी को लीगलाइज करना है या नहीं करना है, इस पर हमेशा डाउट रहता है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में. तो एमटीपी जो है आपके वो हॉस्पिटल्स वगैरह में की जाती है, लेकिन उसके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं. पहले प्रॉपर चेकिंग होती है डॉक्टर्स के थ्रू कि क्यों कंटिन्यू नहीं करना है, प्रेगनेंसी को क्यों टर्मिनेट कराना. अगर प्रॉपर उसका रीजन है, इन दैट केस ओनली एमटीपी जो है वो आगे प्रोसीड होती है. उसके अलावा कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं जो एमटीपी करवाते हैं खासकर इस रीजन के लिए कि अगर गर्भ में कोई फीमेल चाइल्ड है तो एमटीपी कर दो, बट दैट इज अ क्राइम. अगर ये पता चल गया तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है वो पनिशमेंट है. डॉक्टर को भी पनिशमेंट मिलेगी, जो फैमिलीज करवा रहे हैं उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, डॉक्टर का तो लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो इसके लिए इंडिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं. हाँ, कुछ ग्राउंड्स हैं जिनमें अगर ज़रूरी है एमटीपी कराना, सो वैसे केस में ये लीगल है, करवाया जा सकता है. सो व्हाई एमटीपी? ऑब्वियसली द आंसर इज़ टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स. कुछ देखो एक्सट्रीम केसेज में, जैसे रेप्स वगैरह के केसेज में भी अगर प्रेगनेंसी हो गई, सो इन दैट केस ऑल्सो भी एमटीपी जो है आपकी वो सजेस्ट की जाती है, क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसी को कोई कंटिन्यू नहीं करना चाहता है. एमटीपी आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टन केसेज बिफोर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू मदर और टू द फीटस और बोथ. या तो बच्चे के लिए या मदर के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए भी अगर प्रेगनेंसी खतरनाक है, दैट मीन्स सही नहीं साबित होने वाली है, या फिर दोनों के लिए अगर सही साबित नहीं होने वाली है, इन दैट केस ऑल्सो एमटीपी जो है वो करवाया जा सकता है. लेकिन बच्चों इसके पीछे भी आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने लायक हैं. एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के तीन ट्राइमेस्टर्स होते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें आपके स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, टोटल 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी जो है वो सजेस्टेड होती है. आप कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर ग्राउंड है, लेकिन उसमें आपको एक प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी. इन केस अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में, डैट मीन्स 3rd से 6 मंथ्स में प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट करा रहे हो, तो उसमें आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. और 3rd ट्राइमेस्टर में तो इसके बारे में सोचना भी मुश्किल है. फिर उससे मदर और बेबी दोनों की जान को खतरा हो सकता है, और या फिर सजेस्टेड है भी नहीं. 3rd ट्राइमेस्टर में आपका एमटीपी जो है वो बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है. और इनकेस अगर किसी ने किया भी तो फिर उसके बाद उसका बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है, मदर की जान भी जा सकती है, और बच्चे की जान तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि चली ही जाती है. सो ये डेंजरस हो सकता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है. अब इसके बाद देखो ये क्या हमने देखना है, XSTD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, डिजीजेज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी अगर डिजीजेज कोई ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. अभी कब हो सकते हैं, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो, वो भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ. ठीक है, अननोन पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अगर सेक्स आप करते हो, इन दैट केस STDs जो हैं आपके वो हो सकते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या हैं आपके STDs को, आपके VD, वेनेरियल डिजीजेस, या फिर आपके RTI भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों, देखो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स सबसे जो हेड है इनका, दैट इज एड्स. ये सब आपके STDs के अंदर आते हैं, जिनसे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. ठीक है, सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स. नीडल्स वगैरह भी अगर शेयर हो गया, गलती से भी, मान लो डॉक्टर्स हॉस्पिटल वगैरह में किसी चीज़ के दौरान हो गया, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे आपके वो शेयर हो गए 2 अलग अलग पेशेंट्स में, और एक पेशेंट में अगर HIV था, तो इस तरह से भी ये इन्फेक्शन जो है वो दूसरे में फैल सकता है. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस वी, जेनाइटल हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली.
अगर ये कुछ डिजीजेस जो हैं आपके अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये क्यूरेबल हैं, दैट मीन्स इनका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर ये लेटर स्टेजेस में पता चलें तो फिर ये जानलेवा हो सकते हैं। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन द सोशल स्टिग्मा अटैच टू द एस्टी। अब देखो एक और ये बात हो जाती है बच्चों, इस तरह के जो डिजीजेज होते हैं ना उसमें सोशल स्टिग्मा आ जाता है, लोग डरने लगते हैं कि हम ये बात कैसे जाएं, हम डॉक्टर के पास जाके क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, ऐसा सोच के भी लोग चुप रह जाते हैं, जिसमें आगे चल के उनको बहुत बुरा कंसिक्वेंसेस इसके बहुत बुरे झेलने पड़ते हैं। सो इन सब चीज़ों में बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं होती। अगर कुछ इस तरह का सिम्टम आपकी बॉडी में दिखे तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो इचिंग, जेनाइटल रीजन में आपके इचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है या फिर स्वेलिंग हो सकती है, ये सब आपको जेनाइटल रीजन में देखने को मिल सकता है। सो ये सब बेसिकली सिम्टम्स हैं कि आपको एसटीडीज हो सकते हैं। सो बिल्कुल इसके बारे में केयरफुल रहना है और जब भी कुछ वैसा फील हो तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है। और इसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है, डिटेक्शन और प्रॉपर्टी, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस बाद में हो सकते हैं। और ये बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर किसी ने कंसीव किया है तो अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ मीन्स जो बच्चा बॉर्न होगा वो डेड हो सकता है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है बच्चों, जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के बाहर हो जाता है। जनरली नॉर्मल केसेस में यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होना चाहिए बेबी की ग्रोथ के लिए, लेकिन बाई चांस अगर वो यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो गया तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ऐसे में भी आपके इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, मदर की जान को भी खतरा हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो इतने भारी इसके आप सोचो साइड इफेक्ट्स हैं, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों का ध्यान रखना। और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, अगर इन केस हो भी रहा है तो ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, और इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर इजी अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विथ डिजीज। अगर डिजीज का डायग्नोसिस हो गया तो जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है, इसमें कोई सोशल स्टिग्मा एंड ऑल अपने दिमाग में नहीं आने देना है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनफर्टिलिटी। ये इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल इंडिया में, इतने ज़्यादा कपल्स ऐसे भी हैं जिनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ा, डैट मीन्स बच्चे जो है वो नहीं हो पा रहे हैं टाइम से, कुछ कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से जो है कपल वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है। सो इसमें हमें देखना है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या क्या इनका इलाज हो सकता है। द रीजंस फॉर दिस कुड बी मैनी, फिजिकल, सबसे पहला तो फिजिकल रीजन हो सकता है, फिजिकली हो सकता है बॉडी में कुछ कमी हो, कॉन्जेनाइटल हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है एंड इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं और इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। सो इसके अगर सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स हैं जिनको हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं डायग्नोसिस में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज भी हैं जो इसमें हेल्प करती हैं कपल्स को, जिसमें सबसे कॉमनली नोन जो है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम आर्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या है, देखो अगर कपल है मेल एंड फीमेल, हस्बैंड वाइफ है, इसमें अगर वाइफ नॉर्मल है, मेल में कहीं प्रॉब्लम है, स्पर्म वगैरह नहीं रिलीज हो रहे हैं, तो वाइफ के वजाइना में स्पर्म्स लेके उसकी एंट्री करा सकते हैं, इसके लिए डोनर वगैरह भी मिलते हैं। सो ये सब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मीन्स पहले डायग्नोज करना है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और उसमें उस हिसाब से सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराना है। सो वन बाय वन हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड, बाहर की तरफ। सो इसमें क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, फर्टिलाइजेशन तो होती है लेकिन वो बॉडी के अंदर नहीं होती, बाहर होती है लेकिन कंडीशन उसको सिमिलर बिल्कुल बॉडी की तरह ही दिया जाता है, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा इस मेथड में, और पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम ही बोलते हैं।
ठीक है. सो ओवा फ्रॉम द वाइफ या फिर जो डोनर है उसमें से ओवा लिया जाएगा एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड या फिर डोनर ये लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. इनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा. सो बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन करवा के जायगोट फॉर्म होता है अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी. बिल्कुल वैसे कंडीशंस प्रोवाइड किए जाते हैं जैसा कि बॉडी के अंदर होते हैं. जायगोट जो है उसको अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में ही फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, फेलोपियन ट्यूब में 8 आपके सेल स्टेज तक जो ब्लास्टोमियर्स रहते हैं उसके बाद वो यूट्रस की तरफ मूव कर जाते हैं, वहां आ जाते हैं. तो अगर 8 सेल स्टेज तक जायगोट जो है उसको फीमेल बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया तो इस प्रोसेस को हम ज़िफ्ट बोलते हैं, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ज़िफ्ट. इसमें क्या किया, हमने 8 सेल स्टेज तक के जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया. और या फिर अगर ये नहीं हुआ तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 8 सेल स्टेज से ज़्यादा उसको बढ़ने दिया हमने, लेबोरेटरी में ही और ज़्यादा ग्रो होने दिया हमने, और उसके बाद वो 8 सेल स्टेज से ज़्यादा आगे चला गया तो हमने इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर कर दिया. दैट मीन्स सीधा यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया हमने ब्लास्टोमियर का. तो ये ज़िफ्ट भी हो सकता है, दैट मीन्स जायगोट का ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है वो भी हम कर सकते हैं 8 सेल स्टेज के बाद में टू कम्प्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट. क्योंकि जो वाइफ है, जो फीमेल है, उसकी बॉडी, उसका यूट्रस बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, इम्प्लांटेशन हो सकती है, बॉडी वहाँ पे ग्रो कर सकता है. प्रॉब्लम कहाँ थी, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस तक की प्रॉब्लम थी. मे बी फेलोपियन ट्यूब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, स्पर्म्स जो है वहाँ तक मूव नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो उसका ये इलाज है, यहाँ पे इस तरह हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. अब इसके अलावा देखो क्या होता है, एम्ब्रियोस फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, दैट मींस बॉडी के अंडर फर्टिलाइजेशन होगा. सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल एंड कुड बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव. तो अगर फीमेल खुद ब खुद कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बाहर से जो स्पर्म है वो उसको फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करा सकते हैं और इन वीवो फर्टिलाइजेशन इन दैट केस हो सकता है. ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर. अब देखो एक और सिचुएशन क्या हो सकती है, डोनर से ओवम कलेक्ट कर लिया इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इसको हम बोलते हैं जिफ्ट, सॉरी गिफ्ट, इसको हम बोलते हैं गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. जिफ्ट आपका यहां था जहां पे जायगोट का ट्रांसफर हो रहा था और ये गिफ्ट है, इसमें गैमेट का ट्रांसफर कर रहे हैं ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन. सपोज कोई फीमेल ऐसी थी जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था तो उसमें हमने क्या किया, दूसरी फीमेल से गैमेट लेके उसकी बॉडी में ट्रांसफर करा दिया, फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, बट कैन प्रोवाइड. और क्योंकि क्या है कि अगर गैमेट उसकी बॉडी में आ गया तो वो सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए. प्रॉब्लम बस कहाँ थी कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, तो गैमेट हमने डोनर से ले लिया और फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में एंटर करा दिया. अब उसने प्रॉपर सूटेबल एनवायरनमेंट जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोवाइड करा दिया है और इन दैट केस अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो ईजिली फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड जिफ्ट, गिफ्ट, सॉरी मैं बार बार यहां आपको जिफ्ट बोल रही हूं, दिस इज कॉल्ड गिफ्ट. अब इन अनदर केस क्या होता है, आप देखो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं ICSI, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी. अब लेबोरेटरी में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, इसमें स्पर्म जो है वो डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम. इन फर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट अ फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन एन इजेकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अब कुछ मेल्स में क्या प्रॉब्लम होती है, उनके पेनिस इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है या फिर स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, स्पर्म्स जो इजेकुलेट होते हैं उनका नंबर बहुत कम होता है जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती. सो ऐसे केसेस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करा सकते हैं. आपने विकी डोनर मूवी देखी होगी जो कम्प्लीटली इसी थीम पे बेस्ड थी, इस तरह का ये जो काम था वो विकी डोनर का उस मूवी में था. सो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, स्पर्म डोनर्स लेते हैं जिनका स्पर्म काउंट एंड स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है और उनको फीमेल की बॉडी में डायरेक्टली भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ओवम से फ्यूजन करा सकते हैं या फिर लैबोरेटरी में आप लैब कंडीशंस में भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करके और जिफ्ट का जो प्रोसेस है उसको अपना सकते हो. इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर. हस्बैंड का भी सीमेन लिया जा सकता है, नहीं तो अगर हस्बैंड प्रॉपर वैसा हेल्दी स्पर्म आपका नहीं दे पा रहा है तो डोनर से भी स्पर्म लेके आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है इंटू द वजाइना और इंटू द यूट्रस, जिसको कि हम इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कहते हैं.
सो सॉल्यूशंस काफ़ी सारे हैं. इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो हैं वहाँ पे जाके आप डायग्नोस करा सकते हो अगर कोई कपल जो है वो इनफर्टिलिटी का सामना कर रहा है. बट ये क्लिनिक्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इनका रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. सो ये एक ड्रॉबैक आप यहाँ पे बोल सकते हो. दो ऑप्शंस आर मैनी. ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है. देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन द कंट्रीज. बहुत ज्यादा आपको जगह जगह ये सब देखने को नहीं मिलेगा. कुछ काफी कम ही सेंटर्स हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. और एक इमोशनल रिलीजियस ये सब चीजें भी हमारी कंट्री में ज्यादा देखने को मिलती हैं कि जो एजेड लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, किसी और का स्पर्म लेके कराना, फर्टिलाइजेशन कराना सही नहीं है. और काफ़ी वो रिलीजियस टर्म में इन चीज़ों को जोड़ने लगते हैं, धर्म वगैरह इन सब में लगाने लगते हैं. सो ये सब चीज़ें भी थोड़ा इन सब चीज़ों को अफेक्ट करती हैं. इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के जो भी आपके टेक्निक्स हैं उन सब चीज़ों को अफेक्ट करती हैं. और एक यहाँ एनसीईआरटी में आपके पॉइंट ये भी जोड़ा हुआ है कि काफ़ी सारे वैसे जो आपके अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं वो हमारी कंट्री में हैं, तो अगर कोई कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है, उसको बच्चा चाहिए, तो एक बहुत अच्छा स्टेप ये भी हो सकता है कि आप किसी वैसे सेंटर पर जाओ और किसी बच्चे को आप गोद ले लो, लीगल उसको अडॉप्ट कर लो आप लीगली. सो दैट्स कैन ऑल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम. उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आपको पेरेंटहुड का जो है मजा मिल सकता है. सो ये भी एक अच्छा स्टेप होगा अगर कोई इनफर्टाइल कपल जो है वो पेरेंटहुड को एंजॉय करना चाहता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हों. अगर कहीं कोई डाउट है तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन. सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन.